तो कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर दादी को मंदिर लेके जाता है इधर अर्जुन, लेकिन अर्जुन लेके जाने के बाद में इधर प्रीता भी जाती है मंदिर के अंदर। लेकिन दोस्तों मंदिर के अंदर फिर दोनों में एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है, लेकिन प्रीता का वही माहौल है क्योंकि प्रीता हमेशा गर्म मिजाज से देखती है, और जैसे ही बातचीत करते हैं ऊपर से किसी का कपड़ा आके उड़ के उन दोनों के ऊपर गिर ही जाता है। ये कहीं ना कहीं संकेत होगा इस समय प्रीता के लिए, क्योंकि प्रीता की शादी जल्दी ही आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अर्जुन के साथ में होने जा रही है। और अर्जुन के साथ में इसलिए होगी क्योंकि अर्जुन के साथ में ही होनी है, क्योंकि अर्जुन ने बोला था कि मैं कुछ भी करूं कैसे भी करूं लेकिन इस शादी को करूंगा ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस शादी करने के लिए अर्जुन कितने समय से एक्साइटेड था कि मैं कैसे भी करके इस पूरी तरीका से प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा और प्रीता और ऋषभ को सजा दूंगा एक दूसरे से अलग होने के लिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में जोरदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अर्जुन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि इन लोगों को तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय अर्जुन का जो माइंड है वो अपने काम में चल रहा है, और अर्जुन का मानना ये है कि मैं ऋषभ को बर्बाद करके रख दूंगा, ऋषभ को जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अर्जुन इस समय कितना ज़्यादा अग्रेसिव मूड में है, वो हमेशा चाहता है कि सब खुश रहें, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कोई उसके साथ में उंगली भी करे। लेकिन अब वो अपना बदला लेना चाहता है प्रीता और ऋषभ से अर्जुन, क्योंकि अर्जुन इस समय बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आ रहा है। उसका सिर्फ एक ही टारगेट है कि अपनी बेटी को हासिल करूँ, प्रीता से पहले शादी करनी है। साथ ही दोस्तों जल्दी ही सीरियल के अंदर एक नई एंट्री और होने जा रही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज।